हेलो एवरीवन, आज हम इमेजेस पढ़ेंगे एचटीएमएल के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल देखे थे कि हम कैसे टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। सो आज हम इमेजेस पढ़ेंगे कि कैसे हम एचटीएमएल के अंदर इमेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अगर इमेज यूज़ करना चाहते हैं एचटीएमएल के अंदर, यानी कि अगर हम कोई वेब पेज बना रहे हैं उसके अंदर हम इमेज इंसर्ट कराना चाहते हैं ताकि हमारा जो वेब पेज है वो अच्छा दिखे, ठीक है, तो हम IMG टैग है इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका सेंटेक्स क्या है, हमने सबसे पहले IMG लिखना है, ठीक है, उसके बाद SRC एक एट्रीब्यूट का नाम है, ठीक है, और इसके अंदर यानी प्रॉपर्टी के अंदर आपने इमेज का URL देना है। उसके बाद हमारे इमेज के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, सो वो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम सबसे पहले एक सिंपल इमेज को इंसर्ट करा के देखते हैं कि कैसे एक इमेज इंसर्ट होती है, उसके बाद हम उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इमेज SRC एक एट्रीब्यूट का नाम है, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर आपने इमेज का URL देना। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम एग्जाम्पल करते हैं इसका, हम यूज करते हैं IMG, ठीक है, उसके बाद SRC और इक्वल टू, इसके अंदर हमने क्या करना है, URL देना है इमेज का, ठीक है। हम इमेज फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक इमेज है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैं इसकी लोकेशन यानी किस जगह पे पड़ी हुई है इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। और उसके बाद हम HTML की फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है, ये तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये पूरी की पूरी लोकेशन होगी कि किस लोकेशन पे पड़ी है, लेकिन हमने साथ में इस इमेज का नाम भी देना है कि इस इमेज का नाम क्या है। तो पहली बात, इस इमेज का नाम मैंने करीम रखा हुआ है, और उसके साथ ये जो इमेज है वो कौन सी इमेज है, तो ये इमेज हमारी PNG इमेज है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे देखिएगा आप, स्लैश यूजर्स के अंदर अब्दुल करीम डेस्कटॉप न्यू फोल्डर के अंदर जाके करीम डॉट PNG की फाइल है जिसको एक्सेस करना है, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब है। तो आइए हम सबसे पहले इसको सेव करते हैं। तो मैंने सेव कर लिया, ये पहले से ही एक फाइल मैंने बनाई हुई है होम नाम पे, ठीक है, जो डेस्कटॉप पे पड़ी, जो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, तो ये देखें, ये वाली हमारी फाइल पड़ी हुई है। मैं इसको ओपन विथ एनी ब्राउजर करता हूँ, तो देखें ये वाली इमेज हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है, सही है, ये इमेज आ गई हमारी। तो अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो हाइट है वो सेट कर सकते हैं, तो हम हाइट को सेट करते हैं HEIGHT, हाइट इक्वल टू, सपोज करें कि मैं हाइट कर देता हूँ 100, 100 का मतलब है 100 पिक्सल, तो आप PX भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है विड्थ, आपने विड्थ कितनी सेट कर ली, तो मैं विड्थ सेट करता हूँ सपोज 150, ठीक है, तो 150 मेरी विड्थ हो जाएगी और हाइट मेरी 100 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे इमेज की जो विड्थ थी और जो हाइट थी वो कम हो गई, ठीक है ना, यानी कि पहले इसकी ज़्यादा थी, अब हमने जो सेट की है वो कम हो गई। हम इसकी ज़्यादा करना चाहें तो हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, सपोज मैं 1000 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 1500 कर देता हूँ, तो अब देखिएगा, देखें इमेज की साइज बड़ी हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इमेज का बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर आपने साइज देनी है, यानी आपका जो बॉर्डर है वो कितने पिक्सल का ड्रा हो, सपोज मैं कर देता हूँ 5px, ठीक है, तो हमारा बॉर्डर 5px 5 पिक्सल का ड्रा होगा इमेज के ऊपर, ठीक है। देखिएगा, अब मैंने सेव कर दिया रिफ्रेश करके, तो देखें
मेरी इमेज के ऊपर ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, इस बॉर्डर की अगर मैं जो इसकी पिक्सल्स हैं उनको कम करूंगा तो ये वाली बॉर्डर की जो लाइन है बाहर ड्रा हो रही है ये कम ज़्यादा होगी। देखिएगा आप, मैं इसको सपोज कर लें कि मैं कर देता हूँ 10। तो अब हम इसको रिफ्रेश करके रन करके देखते हैं, देखें ठीक है, ठीक हो गई है ये। अगर आप कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है अलाइन एट्रीब्यूट, यानी आपने इमेज को कहाँ पे सेट करना है, सेंटर पे लाना है, कहीं पे भी लाना है, तो उसके लिए आप अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसकी आपने वैल्यू देनी है लेफ्ट राइट या सेंटर, तो मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखें ये इमेज हमारी राइट साइड पे चली। तो ये हमारी इमेजेस थी और इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं, और फर्दर अगर प्रॉपर्टीज की हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जब एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करेंगे, यानी कि आगे जाके हमने इस सीरीज में एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, यानी कि हम एग्जांपल करते जाएंगे तो जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने की तो हम उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये एक वे था कि हम कैसे इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे उसके एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे हेल्प ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।